सोलन जिला के अंतर्गत सदियों पुराने पुलों की क्षमता जांचने के लिए इन दिनों हैदराबाद से खास तौर पर इंजीनियर्स की टीम पहुंची है। टीम की इस जांच रिपोर्ट हैदराबाद से कुछ दिनों के बाद आएगी, जिसके बाद ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बरसों पुराने ये पुल अभी कितने समय के लिए सुरक्षित हैं। सोलन जिला में सदियों पूर्व बने पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही के चलते ये पुल कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ऐसा ही एक मामला जिला के साधु पुल में कुछ वर्ष पहले पेश आया था। वर्ष 1903 में अंग्रेजों के शासनकाल में बना पुल अचानक ही बड़े ट्रक के पुल पर पहुंचते ही टूट गया था, जिससे चाल जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसी वजह से सरकार अब कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इन दिनों हैदराबाद से खास तौर पर इंजीनियर्स की टीम पुलों की क्षमता जांच रही है। टीम ने सोलन जिला के अर्की उपमंडल के तहत कुनिहार से अर्की मार्ग पर बने सियारड़ा पुल सहित कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर बने गंभर पुल और कुणी पुल की गुणवत्ता की जांच की। लोक निर्माण विभाग कुनिहार के सहायक अभियंता राजकुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुल की क्षमता जांचने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट हैदराबाद से कुछ दिनों के पश्चात आएगी, जिसके बाद ही ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बरसों पुराने ये पुल अभी कितने समय के लिए सुरक्षित हैं। जांचने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने एक टेंडर जो कि हैदराबाद की एक फर्म को दिया गया है, तकनीकी जाँच के लिए बुलाया है ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि ये पुल बहुत पुराने हो चुके हैं, इसलिए इनकी तकनीकी जाँच की बहुत आवश्यकता है। कौन कौन से पुल जो ये और कौन से क्षेत्र में करवाए गए? ठीक, अभी अर्की क्षेत्र के अंदर सियारड़ा पुल और अर्की कुनिहार मार्ग पर कुनी पुल और ये कुनिहार नालागढ़ रोड पे आज सुबह जो हमने गंभर पुल वाला किया, इसके पश्चात हम अभी कुनी पुल वाला पुल को कर रहे हैं। इसके बाद का भी कोई प्लान है सर? अर्की डिवीजन के इसमें चार पुल थे, जिसमें से तीन हो गए, एक आखिरी पुल है, उसके बाद गंभर पुल स्पाटू वाला जो कि कसौली मंडल के अंदर आता है वो किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।